नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इट्राकोनाजोल कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, इट्राकोनाजोल कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और इट्राकोनाजोल कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि इट्राकोनाजोल कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में इट्राकोनाजोल कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इट्राकोनाजोल कैप्सूल एक एंटी फंगल दवा है जिसका उपयोग फंगल इन्फेक्शन और यीस्ट इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन होने पर त्वचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और त्वचा में जख्म आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फंगल इन्फेक्शन नाखूनों, मुंह और जांघों में भी हो सकता है, इसलिए नाखूनों, मुंह और जांघों के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इट्राकोनाजोल कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। महिलाओं की वजाइना में यीस्ट इन्फेक्शन होने पर भी इट्राकोनाजोल कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। महिलाओं की वजाइना में यीस्ट इन्फेक्शन होने पर जलन, खुजली, दर्द और सूजन हो सकती है। इसके अलावा सफेद रंग का डिस्चार्ज भी हो सकता है। इट्राकोनाजोल कैप्सूल 100 mg व 200 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि इट्राकोनाजोल कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। इट्राकोनाजोल कैप्सूल को खाना खाने के बाद तुरंत लेना रिकमेंडेड होता है। डोज के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट्राकोनाजोल कैप्सूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको इट्राकोनाजोल कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि इट्राकोनाजोल कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इट्राकोनाजोल कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में इट्राकोनाजोल कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, सिरदर्द, भूख कम होना, दस्त, धुंधला दिखाई देना, शरीर में थकान व कमजोरी महसूस होना, आंखों और त्वचा का पीला होना, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स इट्राकोनाजोल कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा इट्राकोनाजोल कैप्सूल की वजह से कुछ परसेंट व्यक्तियों में जोड़ों में दर्द, हेयर फॉल, लिवर में सूजन और त्वचा पर रैशेस भी हो सकते हैं। इट्राकोनाजोल कैप्सूल की वजह से अन्य साइड इफेक्ट्स भी पॉसिबल है। अगर आपको इट्राकोनाजोल कैप्सूल को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि इट्राकोनाजोल कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में इट्राकोनाजोल कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर आपको किडनी या लिवर की कोई समस्या है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि इट्राकोनाजोल कैप्सूल किडनी और लिवर की समस्याओं को ज्यादा गंभीर बना सकती है। अगर किसी व्यक्ति को इट्राकोनाजोल कैप्सूल या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को इट्राकोनाजोल कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं इट्राकोनाजोल कैप्सूल को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इट्राकोनाजोल कैप्सूल का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इट्राकोनाजोल कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इट्राकोनाजोल कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका इट्राकोनाजोल कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।